Like, subscribe. Hi friends, welcome to Achievement Manpower CTET 2021 में आपका स्वागत है। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जो CTET में बार बार पूछे जा रहे हैं, जो अब तक एग्ज़ाम हुए हैं, उन सारे को एनालिसिस करने के बाद हमें जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो मैक्स पैडागोलॉजी से पूछा जा रहा है, वैन हेली के रिलेटेड, ये हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे, पूरी एनालिसिस के साथ पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। जो अब तक शिफ्ट से हैं वे अपने आंसर्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। पहले शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक तो यहाँ पर बनती है। फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हमारे नेक्स्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरियर वैन हेले, इनका जन्म 1959 में हुआ है। इन्होंने जो ज्योमेट्री बनाई है, उन्होंने ये सोचकर बनाई कि स्टूडेंट्स स्ट्रगल क्यों करते हैं ज्योमेट्री सीखने में, ज्योमेट्री में उन्हें स्ट्रगल क्यों लगती है। इसके अनुसार उन्होंने कुछ स्टेप्स, कुछ लेवल्स बताए हैं, वे हम अब देखते हैं। वैन हेले द्वारा ज्योमेट्रिकल मॉडल को दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है। ज्योमेट्रिकल मॉडल को हिंदी में ज्योमति नमूना कहते हैं। इसके आधार पर इन्होंने कुछ लेवल्स बनाए हैं, जो 5 लेवल्स के अंदर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये 0 से शुरू हो रहे हैं, देख लेते हैं इन्हें विस्तार से। 0 लेवल 1 विजुअलाइजेशन है, जिसे हिंदी में चाक्षुषीकरण कहते हैं। नेक्स्ट लेवल 2 जो एनालिसिस कहते हैं हिंदी में, उसे विश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट लेवल 3 इनफॉर्मल डिडक्शन, जो अनौपचारिक निगमन भी कहा जाता है। नेक्स्ट लेवल 4 जो फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं, औपचारिक निगमन। लास्ट है लेवल 5 रिकर, जिसे हिंदी में दृढ़ता कहते हैं। ये 5 लेवल्स दिए गए हैं, 0 से शुरू होने के नाते इन्हें 4 हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4 के लेवल्स को 5 हैं यहाँ पर। अगर लेवल पूछा जाए तो 5 लेवल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द वैन हेले, 5 लेवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 4। वैन हेले जो थ्योरम है, इसमें ये मॉडल प्रस्तुत किया गया है। 0 विजुअलाइजेशन से फर्स्ट एनालिसिस, नेक्स्ट लेवल इनफॉर्मल डिडक्शन, थर्ड फॉर्मल डिडक्शन, फोर्थ रिकर। इन द बेस ऑफ लेवल्स हैव डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ थियरी ऑफ ज्योमेट्री। विजुअलाइजेशन के अंडर शेप्स, जो शेप्स दिए गए हैं, डिस्क्राइब द शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, जो दिखाई दे रहा है और उस बेस पर वे वो शेप्स को डिस्क्राइब करेगा। क्लासेस ऑफ शेप्स में वो क्लासेस जानेगा कि ये रेक्टेंगुलर शेप है, विजुअलाइज करेगा, जो देखेगा उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन द्वारा जो सामने प्रस्तुत है उस शेप्स को वे क्लास करेगा कि ये शेप रेक्टेंगुलर है, ये शेप ट्रायंगल है, ये यहाँ पर जानेगा क्लासेस ऑफ शेप्स। नेक्स्ट एनालिसिस के अंडर डिस्क्राइब शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, के आधार पर वो शेप्स को डिस्क्राइब करेगा। स्क्वेयर को जब लेगा तो उसकी प्रॉपर्टी समझेगा, ये 4 साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगुलर के त्रिकोण होते हैं त्रिकोणमिति, ऐसे वे प्रॉपर्टीज के आधार पर शेप्स को समझेगा। नेक्स्ट है इनफॉर्मल डिडक्शन, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड द रिलेशनशिप अमोंग देम, विच असिस्ट स्टूडेंट्स इन लॉजिकल ऑर्डर द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर शेप्स। यहाँ पर वो रिकॉग्नाइज करेगा कि के प्रॉपर्टीज़ के आधार पर वे उसके रिलेशन, जो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है, जो तुलना है, वो कर पाएगा और लॉजिकली थिंक करके उन्हें एक ऑर्डर में वे पूरी फॉर्मली समझ पाएगा। विजुअली जो देखा था अब वो लॉजिकली समझ पाएगा, ये अंडर आपके इनफॉर्मल डिडक्शन के अंदर आना है। डिडक्शन लेवल के अंडर अटेन लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रूफ थ्योरम्स डायरेक्टली, यानी यहाँ पर आप बच्चा एक लॉजिकल थिंकिंग करके जो थ्योरम प्रस्तुत किया गया है उसे लॉजिकल थिंकिंग द्वारा प्रॉब्लम को, जो भी थ्योरम है उसे सॉल्व कर पाएगा।
लॉस्ट में जो रिकर लेवल हैं यहाँ पर इस्टेब्लिश एंड एनालिसिस थ्योरम्स इन डिफरेंट पॉजिटिव सिस्टम्स। यहाँ पर बच्चा खुद अपने अपनी क्षमता से थ्योरम्स को प्रूफ करेगा लॉजिकली। यहाँ पर किसी की सहायता ज़रूरत नहीं होती, वे खुद अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा इस स्टेज के अंदर। ये बहुत रेयर पूछा जाता है, मैक्सिमम तो यहाँ तक फुलॉन्ग कवर किया गया है कि बेन हीले ने ज्योमेट्री के जो भी शेप हैं, जो भी लेवल्स हैं, बच्चा किस तरह से किस लेवल से इनको स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए, ये सब भी यहाँ पर कहा। ओवरऑल बेन हीले की थ्योरम यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट लेवल में बच्चा विजुअलाइज करेगा कि शेप्स को देखेगा और समझेगा। नेक्स्ट उसके प्रॉपर्टी के आधार पर उसे समझेगा कि ये शेप पर्टिकुलर शेप का है और पर्टिकुलर से रिलेट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के आधार पर वे दोनों में इस्टेब्लिश कंपैरेबिलिटी करेगा। डिडक्शन लेवल में वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना लॉजिकली समझेगा और सीखेगा। नेक्स्ट रिगर में पहुंचते ही वो उस थ्योरम को अपने आप ही सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये क्षमता उसमें डेवलप हो जाएगी कि फिर फैक्ट्स के आधार पर अपने प्रॉपर्टीज़ के आधार पर खुद अपने जो एबिलिटी है उसको यहाँ प्रस्तुत करेगा। ये फाइनल रिकर्स है, फाइनल स्टेज में वो सब कुछ सीख जाएगा। टीचर का यहाँ पर क्या रोल होता है? फर्स्ट टीचर जो विजुअलाइजेशन होती है इंफॉर्मेशन फेस होता है। टीचर इंफॉर्म करती है कि लर्नर स्टूडेंट्स को टॉपिक के बारे में समझाया जाए। नेक्स्ट लेवल डायरेक्ट ओरिएंटेड फेस होता है जो टीचर इंस्ट्रक्ट करती है लर्नर को कंप्लीट एक्टिविटी को कंप्लीट करने एंड ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर टीचर उन्हें देती है। नेक्स्ट थर्ड है जो एक्सप्लिटेशन फेस है जो टीचर एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझाया जाता है और इंकरेज किया जाता है कि जो करेक्ट वे है ज्योमेट्री को वे सीख पाए। नेक्स्ट फोर्थ फ्री ओरिएंटेड फेस द टीचर प्रोवाइडेड एक्टिविटी फॉर लर्नर्स टू कंप्लीट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर थर्ड स्टेज में टीचर उसे पूरी सहायता देते हैं लेकिन फोर्थ स्टेज जब वो पहुँचता है वहाँ पर टीचर उसे प्रोवाइड करती है एक्टिविटीज़ एंड सीखने के लिए कंप्लीट टास्क करने के लिए उसे इंडिपेंडेंटली वहाँ पर छोड़ देती है, यानी कि वो खुद कर पाए ऐसे वहाँ माहौल क्रिएट करती है। नेक्स्ट फिफ्थ इंटीग्रेशन फेज द टीचर आस्क्ड द लर्नर टू समराइज द कॉन्टेंट लर्न। जो भी उसने सीखा है जो भी समझा है वो लास्ट जो रिगर में है वहाँ पर जो भी सीखा है उसके आधार पर वो समराइज शॉर्ट वे में पूछेगी कि उसने कहाँ तक सीखा और क्या सीखा। इसके बाद जो भी उसने सीखा है जो भी उसने समझा है वो यहाँ पर अपने आप इंडिपेंडेंटली वे प्रस्तुत करेगा कि उसने क्या सीखा है। वो रिगर तक पहुँचते अब वो यहाँ तक मैथमेटिक के सारे ज्योमेट्रिक के बारे में समझ जाएगा तो ज्योमेट्रिक मॉडल में वो पूरा निपुण हो जाएगा, पूरा उसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।